जनाब आज ही पहुंचे हैं पाकिस्तान और आज ही हमारी इफ्तारी की दावत रख ली गई है। कमल के मैके में हमारी दावत है और हमारे ससुराल में जिन जिन लोगों ने हमें फरमाइश की थी कुछ चीजों के लिए कि हमारे लिए ये ले आना, हमारे लिए वो ले आना, उनके लिए हम लोग सिर्फ लेकर आए हैं। नकाश भाई हमारे ने कहा था नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। ये जी अभी हम लोगों ने अपने सारे गिफ्ट निकाल लिए हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। अब यहाँ पर एक चिड़िया फंसी हुई थी जो कि इब्राहिम साहब ने आजाद कर दी है। वो बेचारी पता नहीं कितने अरसे से यहाँ पे ही फंसी हुई थी और वो उड़ ऊपर गई है। अभी उसको ऊपर से निकालने का भी इंतजाम करे, नहीं तो वो अंदर ही फंसी रहेगी कमरे में। चलो जी बच्चे हो कच्चे हो चले। ये भी छोटी सी काकी भी रेडी हो गई है, चले चलो आओ चले। गाड़ी में रख लिया सामान। जनाब आज ही पहुंचे हैं पाकिस्तान और आज ही हमारी इफ्तारी की दावत रख ली गई है। दावत वैसे अपनों में ही है, मतलब कि कमल के मैके में हमारी दावत है और हमारे ससुराल में। तो अभी हमारी सारी फैमिली गाड़ियों में शिफ्ट होने लगी है, फिर गाड़ियों में शिफ्ट होगी, फिर मेहमानों के घर में शिफ्ट हो जाएगी तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट के सफर के बाद। अभी मैं रास्ते में रुकूँ ताकि फ्रूट्स वगैरह कुछ ले जाऊँ खाली हाथ जाते हुए, अच्छा नहीं लगता मेहमान। तो अभी फ्रूट्स का मैंने रेट पता किया है, केला 450 का दर्जन, सेब 600 रुपए का किलो। ओ हो हो, ताजी खरबूजा, खरबूजा 250 रुपए के। ठीक है जी, क्लियर हुई पड़ी है यार। वैसे पाकिस्तान अभी भी मुझे फ्रूट के रेट के लिहाज से सस्ता लग रहा है। सऊदीया बहुत ज्यादा महंगा था और फ्रूट का इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं होता जितना अपने पाकिस्तान में अच्छा टेस्ट होता है। बस खजूर और ये केले का टेस्ट अच्छा था, जैसा हमारे यहाँ होता है वैसा ही। खजूर तो वहाँ की पैदावार है तो अफकोर्स उसका तो हमारे से ज्यादा ही अच्छा टेस्ट था। ये जैसे पता ही नहीं था वहाँ की खजूरों का। लेकिन जो दूसरे फ्रूट्स है ना, ये हो गया अपना वाटरमेलन और ये खरबूजा वगैरह, इसका कुछ ज्यादा अच्छा टेस्ट मुझे वहाँ का नहीं लगा। टेस्ट से मुराद ये है कि एक मिठास होती है ना जो फ्रूट, वो बहुत कम थी वहाँ। ये रखा गया है जी फ्रूट अपना टिक्की में, वापस निकलेंगे अपने सफर पर। सारे घर वालों का इस्तकबाल हो गया, लेकिन ये बंदा गाड़ी में ही बैठा रहा है दुल्हन की तरह। मैंने गाड़ी गलत लगाई है, ये दिमाग खराब है। मैंने साइड पर लगाई है, क्या किए चाहिए। ठीक है आजा भाई आजा। अबू ये क्या दुल्हन पैदा कर लिया आपने, बेवकूफ ना। ये समझना मैं बड़ा सयाना हूं। मेरे ना कजन कहते थे कि ये ना, ये जो मेरे मतलब फूफो के बेटे, वो कहते थे ये हमारे मामू की ना आखिरी गलती है। गजब बेइज्जती है। फूलों की बारिश, इधर भी फूलों की बारिश। माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर मुबारक। थैंक यू। हाँ मिल रही है। अभी जी दावत से हम लोग फ्री हो गए थे और वापस निकल रहे हैं घर की तरफ। रास्ते में रुका हूँ क्योंकि एजल की कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मेडिकल स्टोर से ही मिलनी थी, वो खरीदी हैं मैंने। इसके साथ साथ ये मैंने अपनी कार का एयर फ्रेशनर ले लिया है, तो यहाँ पर लटका देता हूँ ताकि अच्छी अच्छी खुशबू आती रहेगी। वैसे भी इसकी खुशबू अच्छी है, चेक करो है ना। खुशबू तो बहुत अच्छी है, एक ही है, एक ही है ना, बस इसको इधर लटका देते हैं। शॉपर नहीं, शॉपर नहीं, ये सही नहीं, शॉपर से निकाल के, शॉपर से निकाल कर ही लटकाना है। वैसे वही तो पूछ रही हूँ, तुमने कहा हाँ हाँ, मतलब कि ऐसे ही इसको एज इट इज ऐसे ही ये कार्ड को ही लटकाएंगे। इधर की बातें भी शुरू हो चुकी हैं। इधर ने कहा मैं भी अपनी व्लॉगिंग करती हूँ। क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, मैं भी यही देखकर हैरान हो रहा हूँ। इसको यहाँ पर लटका देंगे, चल खुशबू बहुत अच्छी है यार, मजा आ गया। अभी घर पहुंचा था, साथ ही विराट साहब ने कहा कि चलो जी वापस बाहर। मैंने कहा क्यों बाहर क्यों जाना है, कुछ खा पी कर आना है। मैंने कहा अभी तो खा पी कर आए हो भाई, तुमने अभी दोबारा फिर से खाने पीने जाना है। कहता चलो ना यार। मैंने फिर कहा चलो ठीक है, इसलिए अभी फिर विराट, काश भाई और मैं तीनों जा रहे हैं बाहर कुछ हल्का फुल्का खाने पीने। अभी मैंने तो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ फ्राइज ऑर्डर की है क्योंकि मेरा पेट फुल था। विराट साहब पता नहीं क्या क्या शिवार में पता नहीं क्या क्या ये बंदा खाता फिर रहा। काश भाई भी मेरी तरह शरीफ आदमी फ्राइज ही खा रहे हैं बस। हाँ जी, तो अभी प्लान है हमारा कि हम लोग जो अपने बैग्स हैं ना उनको खोल लें। अबे
ये मजा आएगा ना भिड़ो। और देखते हैं क्या क्या चीजें निकलती हैं। देखना क्या है वैसे, हमें तो पता ही है क्या क्या चीजें हैं, लेकिन खोल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ खोल ले, इसको तो साइड पर रखो यार, ये बैग को साइड पर रखो, इसको साइड पर रख दो ना फिर। ये लो इधर रख दिया। जिन जिन लोगों ने हमें फरमाइश की थी कुछ चीजों के लिए कि हमारे लिए ये ले आना, हमारे लिए वो ले आना, उनके लिए हम लोग सिर्फ लेकर आए हैं। एक बंदे ने फरमाइश नहीं की थी, नकाश भाई हमारे ने कहा था नहीं हमें कुछ भी नहीं, और मेरे अब्बू ने भी कहा था नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या करें, उनके साथ जुल्म हो गया। नकाश भाई सॉरी यार, मैं को नहीं सी आख्या मनु कुछ नहीं चाहिए। तुमने लेकिन ये भी नहीं कहा था कि मुझे कुछ चाहिए, कहा था ये मतलब नहीं होता है कुछ नहीं चाहिए। हाँ नहीं, इसका यही मतलब होता है कि मुझे चलाकियों वाली क्या बात है यार, इसका यही मतलब होता है कि नहीं चाहिए। जो बंदा कुछ कहता नहीं है उसका मतलब ना ही होता है ना यार, जिसको चाहिए होता है वो कहता हाँ मुझे कुछ चाहिए, याद रखना मुझे याद रखना, ठीक है मतलब हाँ होता है। ये क्या है, ये आपके यहाँ ये हमारे यहाँ नहीं है। हाँ इसने फरमाइश की थी, इसके लिए लेकर आया हूँ। देखो उसने फरमाइश की थी नकाश भाई, छोटे ने फरमाइश की, उसकी फरमाइश पूरी की, आपने फरमाइश नहीं की। मैंने भी फरमाइश की थी, मुझे तो कुछ नहीं लेके दिया। तुमने क्या फरमाइश की थी? मैंने कहा था मुझे नहीं नहीं, ऐसी फरमाइशें नहीं पूरी की जाती। ये जी बैग अभी हम लोगों ने अपना खोल लिया है, और इसमें ये खजूरों के बॉक्सेस हैं जो कि हम लोग लेकर आए हैं। इनको भी गिफ्ट शिफ्टी करना है, दूसरे भी निकाल लो। ये क्या साजो सामान है, इसमें भी चीजें ही हैं, ये तस्बीह हैं, और भी ये जाय नवाज है। हाँ जाए नमाज है, रख लो सारी चीजें बाहर। और ये तौलिया, ये बैग इसीलिए इतना भारी था, बहुत वजनी था है ना हमारा। ये अकेला बैग ही ना कोई 38 kg का, और मुझे डर ये था कि एक बैग में आप ज्यादा से ज्यादा 20-25 kg सामान लेकर जा सकते हैं, और मुझे यही डर था कि वो एयरपोर्ट पर हमें ये ना कह दें कि आपका ये बैग अकेला ही 38 kg का है, तो इसमें से सामान निकाले। अगर वहाँ पर सामान निकलवाना पड़ जाए तो फिर आपको अलग से कॉटन लेना पड़ता है, उसमें जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसको कॉटन में रखना पड़ता है, फिर उसको जहाज में आप लोड करवाते हैं। ये जी अभी हम लोगों ने अपने सारे गिफ्ट निकाल लिए हैं, ये हमारे लिए मतलब जो गिफ्ट हम लोग अपने खास लोगों के लिए लेकर आए हैं, ठीक। ये वो सारे गिफ्ट हैं, अभी इनकी अनबॉक्सिंग तो सबकी नहीं पॉसिबल। ये बरार साहब ने फरमाइश की थी, उसकी फरमाइश पर मैं लेकर आया हूँ उसके लिए। मैं लेकर आया हूँ, दुकान पर तो मैं ही गया था ना। हाँ यार हम ठीक है, लेकिन दुकान पर मैं गया था, दरअसल लेकर हम ही आए हैं, ठीक है। ये क्या है? ये लो जी बरार भैया तुम्हारा ये ओरिजिनल दूध वाला पॉट। दूध वाली है? हाँ ना। नहीं, ये मैं सऊदी अरेबिया के सबसे बेस्ट ब्रांड से लेकर आया। खोल कर चेक कर लो। हाँ खोल कर चेक कर। यार ये भी, ये क्या, ये कब लिया था तुमने? बस ये ले लिया था मैंने। वाह जी वाह, ये ब्रेसलेट है ना, जैसे मुझे हैरानगी हो रही है इनका, तो मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, ये क्या ढूंढ रही हूँ। जाय नमाज, हाँ जाय नमाज, किधर मिला? ओहो गलत नाम ढूंढती जा रही हो, सही वाला नाम ये देखो जी। ये तुम्हारी हम बरात के लिए लेके, जब भी तुम्हारी बरात निकलेगी ना तब तुमने ये वाला जाय नमाज बिछाना है, और 2 नफल शुक्राने के अदा करने हैं। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारी शादी। थैंक यू जी, थैंक यू, अपना मसला लग गया। और ये है हमजा का अबरार, ये भी तुम पकड़ो। हमजा अभी आएगा, उसको खुद ही दे देना ना। हम नहीं देंगे, वो दे देगा, ठीक है। बरार हमजा ने इधर ही नहीं आना, आएगा कल आ जाएगा। कल आने तो रख लो, फिर कल आएगा उसको खुद ही दे देगा। अभी तो बात रखो ना, उसे कल दे देना। चलो ठीक है। आप क्या कर रहे हो? अच्छा और गिफ्ट, और अम्मी से पूछ लो इन दोनों में से कौन सी रखनी है। अम्मी आपने कौन सा रखना है? ये जाय नमाज, ये एक ब्लैक कलर, एक ब्लैक में और एक ये ग्रे टाइप है। गोल्ड है, गोल्ड है, हाँ गोल्ड है। मुझे लगता है ब्लैक, ब्लैक ही ना, ब्लैक अच्छा है। थैंक यू सो मच। और आपा के लिए नहीं कुछ लेके? ओहो आपा तो अपने साथ ही थी यार, आपा तो हाजी है। आपा बल्कि आपा इस चीज पर रश्क कर रही है कि मैं क्यों थी, है ना, ऐसे कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं शुक्र कर रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अपने घर के। हाँ ऐसा ही है, ये तो आने जाने वाली चीज है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, आप ही के लिए लिया था दो, फिर आपा को गिफ्ट ये ले। आप साथ थे फिर भी गिफ्ट खरीदा है, ये तालियां तालियां, अच्छी है ना, वही बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। मुन्नू दे दे, तन मैं जिंदगी भर दुआवां दवांगी। तुम दुआएं ना दो, बद दुआई दो, परफ्यूम नहीं देनी मेरी गल
गाली नहीं पूरा साल चलावांगे। मैं कह रही हूँ मुझे दे दो, आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगी। कौन किसको मिलाया फोन? हर नमाज में दुआ दूंगी, हर नमाज में दुआ दूंगी। अल्लाह खैर करे। अम्मी का वो नहीं ले कर आए? अम्मी ने एक काम की स्पेशल फरमाइश की। क्या काम? 400 की कसम, मुझे आपका एक बोला था, मुझे चार बोला था, पर फिर भी मैं दो चार, एक और चार पांच। तुम कितने लेकर आई हो? मैं तो एक ही लाई थी, वैसे तो दो लाई थी ना, मैंने कहा घर रख लूंगी, अम्मी को दे दूंगी। अब दोनों नहीं यार, अम्मी नहीं, अम्मी को दोनों ही दे दो। हम लोगों ने वैसे भी यूज नहीं करना होता, अम्मी ज्यादा यूज करती है। सुरमा, ये एक ब्राउन सुरमा है, एक व्हाइट सुरमा, ओ एक ब्लैक है। ये क्या है? ये वैसे इसको बस रख के ना खेल, ये शो पीस है, शो पीस है। हाँ वो है, ये वो है ना, इसमें लकड़ी रखते हैं और नीचे से वो आग का टुकड़ा नहीं मिल जाती है, लकड़ी यहाँ से भी मिल जाती है, वो परफ्यूम वाली होती है। निकाश भाई, चेक करो अपने भाई की दलेरी कितना ज्यादा आपका भाई अच्छा है। पता है तू हूँ लेके अभी इस टाइम मैंने, ये आपको टूटे हुए डब्बों से नहीं पता चल रहा कि ये साथ लेकर आए हैं, पता नहीं चल रहा आपको? बहुत शुक्रिया, अभी तो दिया ही नहीं मैंने, पहले कह रहे बहुत शुक्रिया। निकाश भाई कह रहे जल्दी दे, मतलब शुक्रिया था। ये निकाश भाई, ये निकाश भाई आपका थैंक यू सो मच। मुझे दे दो ये लो कमल, ये तुम्हारा। ये ब्लॉग भी कह रही है मुझे दे दो। ये जी हमारी छोटी ईमान के गिफ्ट, ये लो ईमान, ये पकड़ो पकड़ो। ईमान पकड़ ही नहीं रही, पकड़ो ये लो पकड़ लो। वो कहती मुझे नहीं चाहिए, अब पकड़ लिया डैडी के हाथ से, पकड़ लिया चाचू के हाथ से, नहीं पकड़ रही। ये भी पकड़ो निकाश भाई, ये भाभी की, और ये लो मामा ये आपकी अंगूठी, और ये है आपा की, ये लो आपा, ये घड़ी वाली अंगूठी है, अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। ये उधर अम्मी की, ये भी अच्छी है यार, ये लो आपा, ये आप उनको दे दीजिएगा, इमानत हमारी, तुम्हारी भी अच्छी है। मैं साथ ही था, पैसे मैं ही दे रहा था कवर, ऐसे ना कहो। लिया मैंने खुद, तुमने लिया, तुमने पैसे तो मैंने दिए ना यार। ये जी तस्बीहें जो हम बाद में देंगे, ये बाद में देनी है, खजूरों के साथ घर वालों को तो दे दिए। अबू सो रहे हैं, अबू का सुबह से ठीक है, अबू सो रहे हैं अभी, हम लोग नहीं चाह रहे अबुआ जान को डिस्टर्ब करें। तो बाकी ये कुछ दोस्तों के लिए भी हम लोग लेकर आए हैं, अबा जान के लिए भी लेकर आए हैं, दोस्तों को तस्वीरें देंगे ताकि वो नेक काम करें और वो गुनाहों से बचे, हमें दुआओं में याद रखें। तस्वीरें शस्वीरें लेकर आए हैं, घबराना नहीं है ठीक है। अगर आपको भी कोई चीज चाहिए ना, तस्वीर चाहिए या जाय नमाज चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और घर का एड्रेस भी भेज दीजिएगा, मैं आपको पार्सल कर दूंगा यार। ये भी हम लोग लेकर आए हैं भाभियों के लिए, और भी बहुत सारा सामान है ना, दो भाभी को। अभी जनाब मुझे चाहिए आपसे इजाजत, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक द वीडियो और अच्छे अच्छे कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।